वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम्स। सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें से बहुत सारी रिलेशनशिप्स हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। उनको वेन डायग्राम्स कहते हैं। मतलब सेट्स जो अपने पास में है उन सेट्स को अगर अपन एक दूसरे से रिलेशन उसका डिस्क्राइब करना चाहें तो हम किसी डायग्राम के थ्रू उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। तो वो जो डायग्राम होंगे जिसमें सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा उन डायग्राम्स को वेन डायग्राम्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय means of diagrams which are known as Venn diagrams। देखिए हमने लिखे हैं मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। देखिए सेट्स की बहुत सारी रिलेशनशिप जो है वो डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है और इन डायग्राम्स को ही वेन डायग्राम्स कहते हैं। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। जॉन वेन नाम का लॉजिशियन था, इंग्लिश लॉजिशियन, उसने इन्वेंट किया था इसको। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि किसने इन्वेंट किया था इसको, तो वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन लॉजिशियन क्या होते हैं जो लॉजिक लगाते हैं, लॉजिशियंस, इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन 1834 to 1883 कितना जीवन काल रहा है उनका। ये थे वो जिनने वेन डायग्राम को इन्वेंट किए, वो थे आपके वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। जॉन वेन नाम का लॉजिशियन था, मैथमेटिशियन प्लस लॉजिशियन। मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स की बातें करते हैं, लॉजिशियन कुछ लॉजिक लगाते हैं अपने, तो कई बार लॉजिक लगाना पड़ता है ना अपने को कि जैसे दो पर्संस है, एक फादर है और एक उसका सन है, तो उनकी एज कैलकुलेट करना है तो अपन लॉजिक लगाते हैं कि किसकी एज ज्यादा होगी, फादर की एज ज्यादा होगी, ये इसको कहते हैं लॉजिक, है ना। तो थोड़ा सा अपन सोचते हैं उसके बारे में, वो तो ऐसा सोचने वाले जो लोग रहते हैं वो लॉजिशियन रहते हैं, और मैथमेटिशियन प्लस मैथमेटिशियन, और ये लॉजिशियन था, ये सोचते रहते थे किसी भी चीज को कि यार ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पर है तो उसकी पोजिशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये वो, मतलब नए नए चीजें उसके अंदर सोच के इन्वेंट करने की कोशिश करते या क्रॉस क्वेश्चंस करते उससे, उसको लॉजिशियन कहते हैं। तो इंग्लिश लॉजिशियन था, उसका नाम था जॉन वेन, और उसने 1834 में उनका बर्थ हुआ और 1883 में उन्होंने अपनी पारी की घोषणा कर दी, ठीक है। तो इनने वेन डायग्राम को इन्वेंट किए। दीज डायग्राम्स, अब ये डायग्राम में एक्चुअली होता क्या है, दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स जनरली सर्कल्स। देखिए क्या करना है कि जो वेन डायग्राम्स है, These diagrams consist of rectangles and closed curves, generally circles. इन डायग्राम्स में क्या रहेगा, जनरली एक रेक्टेंगल रहेगी और उसके अंदर क्लोज्ड कर्व्स रहेगी। क्लोज्ड कर्व्स में आप सर्कल बना सकते हैं जनरली, और कोई कर्व भी बना सकते हैं, ऐसा एलिप्टिकल शेप भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली सर्कल का यूज किया जाता है। एक पहले ऐसा रेक्टेंगल ऐसे ही रहता है,
इसके अंदर जनरली सर्कल्स बनाएंगे, ये सर्कल्स, ऐसे सर्कल्स। और कोई ऐसा एलिप्टिकल कर्व्स भी बना सकता है, एलिप्स जैसा, ऐसा। तो जनरली सर्कल का यूज किया जाता है, ऐसे सर्कल्स का। और कभी आप ऐसे क्लोज्ड कर्व्स भी बना सकते हैं, जनरली सर्कल बनाते हैं, लेकिन किसी ने अगर ऐसे एलिप्टिकल बना दिया, अंडा जैसा एलिप्टिकल, तो भी ठीक है। तो वेन डायग्राम में दो टाइप के फिगर्स आपको यूज करने, दो टाइप के, एक रेक्टेंगल और दूसरा सर्कल या क्लोज्ड कर्व्स। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय द सर्कल। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल्स। चलो एक चीज और आ गई अपने पास में कि वेन डायग्राम के अंदर जो रेक्टेंगल रहेगी उसको यूनिवर्सल सेट बोल देंगे अपन, और जो सबसेट्स रहेंगे उसको, जो सर्कल्स रहेंगे उसको उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स बोलेंगे। एग्जांपल बता देता हूं आपको, ये बनाता हूं मैं एक रेक्टेंगल पहले। तो ये है अपना यूनिवर्सल सेट, इसको यू बोल देते हैं, ये रेक्टेंगल होगा, ये यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है। अब इसके अंदर अपन कुछ कर्व्स ले लेते हैं, इस सेट को ए ले लेता हूं और ये बी। देखो ये आपके इसी का पार्ट है, यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है। तो अपन इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, 1, 2, 4, 5, इसके अंदर 6, 9, 1, 2, 3, 4 इसमें आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7, 8 और ये 10। तो अब देखो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या क्या हो गए, U के एलिमेंट क्या क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके सबसेट्स है A, A के एलिमेंट 1, 2, 4, 5 एंड B के एलिमेंट है 6 और 9 बस। और जो ए और बी को छोड़ के जो बाकी के, जो ए और बी में नहीं हो, बाहर है आपके, लेकिन है आपके यू के अंदर, यू बोले तो यूनिवर्सल के अंदर। चलिए देखिए वेन डायग्राम में क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम्स। सेट्स की जो मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप है वो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, विच आर नोन एज वेन डायग्राम, उनको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। जॉन वेन ने इसको इन्वेंट किया था, 1834 में उनका बर्थ है और 1883 में उनकी पारी ऑफ हो गई। दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स, जनरली सर्कल्स। ये जो डायग्राम है इसमें जनरली एक रेक्टेंगल रहेगी और क्लोज्ड कर्व्स रहेंगे, और क्लोज्ड कर्व्स में अपन सर्कल्स ले सकते हैं या एलिप्स बना सकते हैं एलिप्टिकल से। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, जो यूनिवर्सल सेट रहेगा उसको रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और एंड इट सबसेट्स बाय सर्कल, और उसके जो सबसेट्स रहेंगे उसको सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल बताया, ये एक रेक्टेंगल लिया मैंने, इसको यूनिवर्सल सेट यू बोल दिया, और इसके अंदर दो सबसेट्स लिया ए और बी, तो ए के और ए 1, 2, 4, 5 एलिमेंट लिया, बी के 6, 9 लिया, बाकी के 3, 7, 8, 9 को मैंने यहाँ पे ले लिया। आगे बढ़ते हैं अपन, अब हमको क्या करना है कि कुछ ऑपरेशंस लगाना है। वैसे मेरे को यूनिवर्सल सेट पे भी क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे, आगे की एक्सरसाइज में आएंगे। चलो अब बता दिया मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया था। अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स, अब सेट के ऊपर अपने को कुछ ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन समझता है आपको, वो वाले ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर लोग करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इस टाइप के ऑपरेशन को अपने को सेट्स के ऊपर लगाना है। ऑपरेशन ऑन सेट्स नेक्स्ट पॉइंट है अपना। सेट्स का यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब मालूम है आपको, होती है ना यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइन कर लेते हैं, यूनियन बना लेते। तो यूनियन में क्या होता है कि हम दो सेट लेंगे, एक ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंदर रहेंगे। उसका जो यूनियन होगा उस यूनियन के अंदर ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और उसको ये वाले सिंबल के थ्रू लिखते हैं, ऐसा सिंबल आता है, ऐसा यूनियन का सिंबल बना देते हैं, इस टाइप का यू जैसा,
ये यूनियन का सिंबल है, मैं लिख देता हूं इसको तो ये क्लियर हो जाएगा। लेट ए एंड बी, ए एंड बी, बी एनी टू सेट्स, टू सेट्स द यूनियन, यूनियन ऑफ ए एंड बी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट, इज द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, द कॉमन एलिमेंट्स कैन बी टेकन ओनली वंस। देखिए द सिंबल यू जैसा इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। सिंबॉलिकली वी राइट, वी राइट कैसे लिखते हैं हम इसको, वी राइट ए यूनियन बी, इट इज रीड एज, रीड एज ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी आपको रीड। बहुत सारी चीजें मैंने लिख दिया है, मैं एक बार पढ़ देता हूं तो ये वैसे क्लियर हो जाएगा। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। ए और बी कोई दो सेट है अपने पास में, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट कंसिस्ट ऑफ, ए और बी का जो यूनियन होगा वो एक सेट होगा जो किसको कंसिस्ट करेगा, कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स कैन बी टेकन ओनली वंस। और जो एलिमेंट ए और बी सेट के अंदर कॉमन रहेंगे उसको एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने दो बार लिख दिए। द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है यू जैसा, इज यूज टू डिनोट द यूनियन, यूनियन को डिनोट करने के लिए वाला सिंबल यूज करते हैं। अगर ए और बी सेट का यूनियन निकालना है तो हम उसको सिंबॉलिकली ऐसा लिख देते हैं, ए यूनियन बी, वी राइट ए यूनियन बी एंड इट इज रीड एज ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी आपको रीड करना है। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। अपन दो सेट ले लेते, एक सेट ले लेता हूं मैं, कुछ भी ले लो आप, बहुत सिंपल है ये, वन टू, अपन एग्जाम्पल एकदम सिंपल लेते हैं, थ्री फोर फाइव, और एक सेट ले लेता हूं मैं बी, ये बी सेट लिया मैंने, टू फोर सिक्स एट और ये टेन, ऐसा मैंने सेट कोई भी ले सकता। अब इसका जो यूनियन होगा ए यूनियन बी, सिंबल आप ऐसा बनाएंगे, इज इक्वल टू ए के सारे एलिमेंट ले लो, वन टू थ्री फोर फाइव, अब बी के भी सारे ले लो तो टू, टू आ गया इसमें पहले तो लिखने की जरूरत नहीं, फोर भी आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं, सिक्स, सिक्स के बाद में एट और एट के बाद में टेन। तो देखो ये जो अपना सेट मिला ए यूनियन बी, इसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट हैं और बी के भी सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी में उसको एक ही बार लिखा गया। देखो कॉमन एलिमेंट कौन से, ये टू और ये टू कॉमन है लेकिन इसमें एक ही बार लिखना है, ये फोर और फोर कॉमन है लेकिन इसमें एक ही बार लिखना है, आपको दो बार नहीं लिखना। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी कि ए सेट के सारे एलिमेंट आपको लिख लेना है, बी सेट के सारे एलिमेंट आपको लिख लेना है और जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उसको आपको एक ही बार लिख, ठीक है। ये ए यूनियन बी आपका इसमें लिखा हुआ क्या में, रोस्टर फॉर्म में, इसी को अपन सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा फॉर्म हो जाएगा इसका, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर अपने को लिखना है ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी कैसा हो जाएगा, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा, बीच में और लिखा हुआ है। तो ये जो सिंबल है आपका यूनियन का, इसको और भी पढ़ते याद रखना, ए और बी मतलब इसमें ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट और दोनों के भी एलिमेंट, इसको और भी पढ़ा जाता है।
ए यूनियन बी को ए और बी भी पढ़ते हैं। तो अगर अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे एक्स सेट ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं इसको। वेन डायग्राम के लिए अपन ने एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये रेक्टेंगल। अब ये अपना यू है यूनिवर्सल सेट, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो। अब देखना ए के एलिमेंट क्या क्या लिए थे अपन ने, ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 थे और कॉमन वाले एलिमेंट को पहले देख लो। कॉमन क्या क्या है देखो दोनों में, ए और बी में जो कॉमन है ये वाला पोर्शन दोनों के अंदर कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, सब पोर्शन कॉमन है दोनों के अंदर, है ना। ये कॉमन दिख रहा है, पहले कॉमन वाले एलिमेंट लिख देता हूँ मैं। तो कॉमन देखो क्या क्या दिख रहा है आपको ए में, आपको एक टू दिख रहा दोनों में और फोर दिख रहा, तो टू और फोर को यहाँ कॉमन जगह में लिख दो, ये टू और फोर, मतलब ये ए में भी है और बी में भी है। अब ए के एलिमेंट क्या है, वन है, टू लिख दिया, थ्री फोर, फोर लिखा गया और ये फाइव। अब बी के एलिमेंट क्या क्या है, टू फोर तो लिख दिए, सिक्स एट और ये टेन। अब कोई एलिमेंट बचा, कौन सा एलिमेंट बच गया, बचा वाला आप इधर इसके बाहर लिख देंगे, बचा वाला कौन सा बच रहा भैया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेवन और नाइन बच रहा, तो सेवन को यहाँ लिख दो, नाइन को यहाँ लिख दो, पूरे आना चाहिए यूनिवर्सल सेट के अंदर, पूरे आ जाना चाहिए वन से लेकर टेन तक। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन पूरे आ गए। जो बच गए जो ए के थे वो ए में लिख दे, जो बी के थे बी में, और जो बच गया उसको बाहर कर दे, जो कॉमन थे वो कॉमन प्लेस में, ये वाला पोर्शन कॉमन है दोनों के अंदर, वो इंटरसेक्शन अभी उसकी बात करते हैं। तो अब आपको जो ए यूनियन बी लिखना है ना, तो ए यूनियन बी में अपने को क्या करना पड़ेगा कि जब अपन इसका यूनियन लिखेंगे तो ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, आएंगे ना। तो अब देखो इसमें ये नहीं आए, कौन कौन से छूट गए इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट और टेन आया, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट और टेन है, ये सेवन और नाइन नहीं आ रहे, सेवन और नाइन देखो इसमें भी नहीं आ रहे थे सेवन और नाइन, लेकिन ये यू के अंदर रहेंगे आपके, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट आ गए इसमें और बी के सारे एलिमेंट आ गए, ये पूरा का पूरा पोर्शन यूनियन कहलाएगा इसका, ए के भी सारे एलिमेंट बी के भी सारे, सेवन और नाइन जो है वो यूनियन में नहीं है, देखो इसमें सेवन और नाइन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी में सेवन और नाइन नहीं थे, तो वो यू में रहेंगे, यूनिवर्सल सेट में रहेंगे, ए में और बी में नहीं। तो ऐसा इसका इसका वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको दिखा सकते। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, यूनियन के कुछ ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए मैं वन बाय वन बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिंपल, एक बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए भी बोल सकते हैं आप। ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों बात एक ही है, और इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ये कहलाता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ, इसको कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब होता है उसका सीक्वेंस चेंज करके अगर अपन उसमें ऑपरेशन करें तो वो कम्यूटेटिव। ए यूनियन बी था उसको बी यूनियन ये, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा और बी यूनियन निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन ले लिए फिर बाहर सी का यूनियन ले लिए, इक्वल टू ए को बाहर रहने दिए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा। देखो इसमें तीन सेट है, एक है ए एक है बी और एक सी, तो ए और बी का यूनियन लिए फिर उसका सी के साथ यूनियन लिए, फिर पहले बी और सी का यूनियन ले लिए फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लिए, तो ये जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, ये है एसोसिएटिव लॉ। देखो ए यूनियन बी लो और फिर सी के साथ उसका यूनियन लो, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट और फिर सी के भी सारे एलिमेंट ले लो, पहले बी और सी के सारे एलिमेंट ले लो बी यूनियन सी और फिर ए के साथ उसका यूनियन ले लो, तो दोनों वैल्यू इक्वल आएगी। दिस रूल और दिस लॉ और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, ए यूनियन फाइव, फाइव बोले थे एम्प्टी सेट, ए और फाइव का यूनियन कर दिया ए के सारे एलिमेंट और फाइव के साथ, तो फाइव में तो नल सेट है, कोई एलिमेंट रह गया नहीं, किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। यू इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, इसका नाम है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ये कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा तो आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ये जो फाइव दिख रहा है ये यू का या जो यूनियन रहता है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए का फाइव के साथ जब यूनियन निकालेंगे तो यही सेट आएगा, क्यों,
ए के सारे एलिमेंट लेना है और पाई के सारे एलिमेंट, तो पाई के अंदर तो कोई एलिमेंट है नहीं, ऐसा एम्प्टी सेट रहेगा, तो ए के जितने एलिमेंट रहेंगे वही आएंगे, तो ए यूनियन पाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा, इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। और एक है ए यूनियन ए, एक सेट का उसी के साथ अगर आप यूनियन लेंगे तो वो ए के इक्वल ही आएगा, ए में जितने एलिमेंट थे उसी का ए के साथ, ए के एलिमेंट को रिपीट नहीं करना आपको, एक बार जो एलिमेंट आ गया जो कॉमन, दोनों में पूरे पूरे एलिमेंट कॉमन होंगे तो एक ही बार लिखना आपको, तो इस इक्वल टू आ जाएगा, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, इसका नाम है आइडेम्पोटेंट, ऐसे याद रख लेना नाम इसका, कभी ऐसा पूछ लिया फिल अप द ब्लैंक्स ब्लैंक्स में, इसका नाम क्या है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसको। और एक और है आखिरी, ये यूनिवर्सल सेट का यू है, इसका ये यू लिखा हुआ है, इसका यूनियन ए के साथ, तो आप देखो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट आएंगे और ए जो है उसका सबसेट रहता है, तो ये यू के इक्वल ही आएगा, ये यू के इक्वल आएगा, दोनों का जब यूनियन लेंगे तो यूनियन वाले सेट में तो ए के भी सारे एलिमेंट रहते हैं, उसके अंदर ए के भी एलिमेंट रहेंगे, तो ए के एलिमेंट को रिपीट करने की जरूरत है, तो फिर से आपको वो यूनियन वाला सेट मिल जाएगा, तो यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, इसको लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं, इसका नाम है लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनियन, ये यूनियन का लॉ है। ये आपने नाम नहीं भी याद रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको याद रखना कभी कहीं पर जरूरत पड़ गई, यू का ए के साथ में जो यूनियन है वो यू के इक्वल होगा, ए का ए के साथ जो यूनियन है वो ए के इक्वल होगा, ए का फाई के साथ जो यूनियन है वो ए होगा, और ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये आपको सिंपली आपको याद रखना है। अब ऐसा ही एक ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अब सेट्स का इंटरसेक्शन जैसा अपना यूनियन था, यूनियन में ए ए के और बी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आएंगे आपके, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है कि दोनों के जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे आपके, उन एलिमेंट को आपको एक बार लिख देना है बस, तो वही आपका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन, लिख देता हूं इसको, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ all the elements, set of all the elements which are common, in both A and B, the symbol ऐसा उल्टा यू इज यूज्ड टू डिनोट इंटरसेक्शन, क्या लिखा है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, द सिंबल दिस इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन, एंड वी राइट, कैसे लिखते हैं हम इसको, वी राइट A intersection B. It is read as A intersection B. इसको A intersection B आपको read कर लेना है. क्या read करेंगे? A intersection B. एक example बताता हूँ मैं आपको. For example, एक A set ले लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, एंड एक बी सेट लेते हैं 2, 4, 6, 8 और ये 10, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए में और बी में क्या क्या एलिमेंट कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, बस दो ही एलिमेंट कॉमन है, तो 2 कॉमा ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। और इसको अगर अपन उससे लिखना चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, सेट बिल्डर फॉर्म
A intersection B is the set of all x such that x belongs to A and B both. A और B दोनों से belong करना चाहिए. X belongs to A and X belongs to B. X जो है वो A से भी belong करना चाहिए और B से भी. देखिए intersection का जो sign है इसको and भी पढ़ सकते हैं आप. A and B. इसको and जैसे union को और पढ़े थे ऐसा intersection को and पढ़ सकते हैं आप. अब जैसे अपन ने इसको दिखाए थे यहाँ पर Venn diagram से. यहाँ देखो ये वाला जो portion है आपका कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है 2, 4 ये दोनों के अंदर कॉमन है. तो इतना जो पोर्शन होगा ये वाला, ये इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा. ये दोनों के अंदर कॉमन है ना, ए सेट बी सेट के अंदर जो कॉमन रहेगा वो वाला पोर्शन इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा. और इंटरसेक्शन के साइन को एंड रीड कर सकते हैं आप. एंड इसके भी कुछ रूल्स होते हैं. चलिए देखिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी. ये अपने काम में आ सकती है क्वेश्चन करने में और इनको याद भी रखना. ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन बी इंटरसेक्शन ए. मतलब आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन निकालो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी. इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ. ये है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव का मतलब होता है सीक्वेंस चेंज करके यदि आप ऑपरेशन करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम आएगा. उसके बाद सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ए इंटरसेक्शन बी निकालो और फिर इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए को बाहर रहने दो फिर इंटरसेक्शन और ये बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो तो भी ये दोनों रिजल्ट बराबर आएंगे. देखो क्या हुआ, पहले वाले में ए और बी का इंटरसेक्शन लिए फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लिए ना, इधर ए को बाहर रहने दिए और पहले B और C का इंटरसेक्शन लिया और फिर पूरे का दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो रिजल्ट सेम है. इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं. ये है एसोसिएटिव लॉ. ऐसे यूनियन में भी था आपका. एक है फाई का फाई इंटरसेक्शन A. अब देखो फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं रहता, A में कुछ एलिमेंट रहेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं होंगे. फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं तो इसका फाई आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन फाई. इसको लॉ ऑफ फाई कहते हैं, लॉ ऑफ फाई. एक है यू, ये यूनिवर्सल सेट का यू है, इंटरसेक्शन ए. तो यू तो यूनिवर्सल सेट होता है ना, और ए ए उसी का सबसेट होता है. तो ए में कम एलिमेंट रहेंगे, ए के सारे एलिमेंट यू में भी रहेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो ए के इक्वल ही आएगा. इसको लॉ ऑफ यू यूनियन कहते हैं, लॉ ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ यू. यू का लॉ है, देखने से ही समझ में आ रहा है कि यू का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आ जाएगा. एक और है ए इंटरसेक्शन ए, तो ये ए ही आ जाएगा. इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ. ये आइडेम्पोटेंट लॉ है. ऐसे ही आपका यूनियन में भी था, ए यूनियन ए निकालते थे तो ए आता था. और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये उसमें नहीं था यूनियन में, ये दोनों का मिक्सचर है. यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन लगा के बी में मल्टीप्लाई कर दो तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पहले, और फिर ये बीच में यहाँ यूनियन था तो यूनियन लगा लो, फिर ए इंटरसेक्शन का सी में इंटू कर लो तो ए इंटरसेक्शन सी. इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों का मिक्सचर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. देखो मैं इसको समझाता हूँ, ये बहुत कहीं पे काम में भी आता है. ये देखो ये ए है और ये बी यूनियन सी है और बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा है तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. तो क्या करना है आपने, जैसे अपन ऑर्डिनरी अलजेब्रा में मल्टी, तो ये ए इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है. देखो ए इंटरसेक्शन का बी में मल्टीप्लाई करें तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर यहाँ बीच में यूनियन लगा था तो ये यूनियन को लगा दो ऐसे, फिर ये ए इंटरसेक्शन का सी में मल्टीप्लाई करें तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, जैसे अपन ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा. तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखना है. सिंपल है, देखने से समझ में आती हो. इस पर बेस्ड कभी क्वेश्चन आ गया तो अपन कर लेंगे. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक और कुछ बचता है इसमें. हाँ, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स आ रहा है. तो ये जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है ये अपने सिलेबस में नहीं है,
अभी ये सिलेबस से अपने कट हो गया है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये वाला कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, ये दो चीज अपन नहीं लेंगे। अब अपन एक्सरसाइज के ऊपर आ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। पेयर ऑफ सेट्स है का आपको यूनियन कैलकुलेट करना है। क्या है यूनियन का कॉन्सेप्ट अपने पास में, कि अगर अपने पास में दो सेट्स है ना, तो अगर हमको उसका यूनियन कैलकुलेट करना है तो ए सेट के भी हम सारे एलिमेंट ले लेंगे और बी सेट के भी हम सारे एलिमेंट ले लेंगे, और जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उसको एक बार लेंगे। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उसको हम एक बार लेंगे। तो हम आपको ये बता रहे थे कि अगर दो सेट अपने पास में उसका यूनियन कैलकुलेट करना है तो हमको क्या करना है, जो फर्स्ट सेट है उसके भी सारे एलिमेंट ले लेंगे और जो सेकंड सेट है उसके भी सारे एलिमेंट ले लेंगे, और जो एलिमेंट कॉमन रहेंगे उसको आपको एक ही बार लिखना है, कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए बहुत ही सिंपल है, x 1,3,5, y 1,2,3, इसका यूनियन आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं डायरेक्ट x यूनियन y इज इक्वल टू, अपन पहले x वाला सेट और यूनियन वाला सेट लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट अपन वैल्यू रख सीक्वेंस में लिख देते हैं अपन। चलिए देखिए, जैसे 1 लिख दिए अपन ने, 1 के बाद में 3 लिख दो, 3 के बाद में 5 लिख दो, फिर इधर 1 आ गया तो 1 एक बार लिखा गया तो 2 लिख दो, 3 एक बार लिखा गया तो ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दिया मैंने, एक x के सारे एलिमेंट लिख दिया मैंने 1,3,5, फिर इसमें y के भी सारे लिख दिया, तो 1 पहले लिख चुके थे इसलिए 1 को रिपीट नहीं करा, 2 नहीं लिखे थे तो मैंने 2 को लिख दिया, और 3 अपन लिख चुके थे इसलिए फिर से 3 को नहीं लिखे। तो अब ऐसा लिखे, अब इसको अपन चाहे तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो ये ठीक है, 1,3,5,2, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं लिखा, इसको सीक्वेंस में लिखना चाहिए। तो अगले स्टेप में अपन इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, और डायरेक्ट आप फर्स्ट स्टेप में भी सीक्वेंस में लिख सकते थे 1,2,3,5, जितने एलिमेंट थे उतने एलिमेंट इसमें आएंगे, बस अपन ने सीक्वेंस में लिख दिए। और अगर आप लिखना चाहे तो पहले ही आप ये वाले स्टेप लिख सकते हैं, या पहले आपने मैंने ये लिख दिया और ये लिख दिया, लेकिन कॉमन जो एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखा। ठीक है, मैं दोनों भी बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऐसा लिखना और फिर ऐसा लिखना, आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं, मैंने ऐसा लिख दिया। और पहले आपको बताया गया कि सेट में जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप ऐसा भी छोड़ देंगे तब भी ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट देखिए, चलिए सेकंड पार्ट देखिए, एक सेट है आपके पास में, आप इसमें देखो ये यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट गलत छप गया, इसको कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, मैं उसको कर्ली बना देता हूँ, सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते, कोई और ब्रैकेट, अब ठीक हो गया है ना, ए ई आई ओ यू और बी है ए बी सी, तो इसका यूनियन निकालना आपको, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के सारे एलिमेंट लिख लो, ए ई आई ओ को लिखा है ओ और ये यू, अब बी के लिखना है तो बी का ए लिखना है अपने को, तो ए तो पहले लिख दिए अपन ने एक बार, डबल से लिखने की जरूरत, बी बी नहीं लिखे थे तो बी को लिख लो, बी सी भी नहीं लिखे थे तो सी को भी लिख दो, ये हो गया। अब आप अगर इसको सीक्वेंस में लिखना चाहे तो लिख दो, और नहीं लिखना हो तो ये भी ठीक है, मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस में, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद में ई आई ओ और ये यू, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक है, डायरेक्ट भी आप ए बी सी ई आई ओ यू लिख सकते, छोड़ना नहीं कोई एलिमेंट। नेक्स्ट, तो ये थर्ड क्वेश्चन है अपना, ए इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान से देखना, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, x जो है वो नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, दोनों कंडीशन एक ही साथ में इंक्लूड, x एक ही नंबर है, वो मल्टी नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, 3 के मल्टीपल 3, 6, 9 इस टाइप से, और नेचुरल नंबर। और b जो सेट है, b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से जो लेस नेचुरल नंबर है वो है, 6 से लेस नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो अपन पहले, अब ये जो दो सेट दिए हुए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका हम रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म के बाद में उसका यूनियन निकालना आसान हो जाएगा, और जब उसका यूनियन आ जाएगा तो अपना क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो अपन आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ए सेट को क्या लिख पाएंगे अपन, A is the set of x is the natural number multiple of 3, natural number होना चाहिए multiple of 3, तो 3, 6, 9, 12, 15 and dot dot, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस 3 थोड़े बहुत लिख दिए और 3 डॉट लगा दो। तो आप देखो इसको, ए सेट को हर एक नंबर आपको नेचुरल नंबर दिख रहा होगा, 6 3 आपका नेचुरल नंबर है, 6 नेचुरल नंबर है, 9 नेचुरल नंबर है, 12 नेचुरल नंबर है, 15 नेचुरल,
ये नेचुरल नंबर है, और ये सारे के सारे जो है 3 के मल्टीपल है, तो ये ए साइड लिख लिया हमने, ऐसे ही हम बी लिख लेते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद से। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, अब 6 से लेस नेचुरल नंबर आपको लिखना है। 6 से लेस नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो, अब इसका यूनियन लिख लेते हैं अपन, देयरफॉर ए यूनियन बी। तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, अब देखो अब सीक्वेंस में लिखता हूं, बार बार नहीं करेंगे। 1 बी में है, फिर 2 बी में, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखो इसमें बी के तो पूरे आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब ए के 3 आ गए, तो 3 लिख दिए, 6, 5 तो है नहीं इसमें 4, 5, तो अब ये 6 से पूरे लिख दो, 6, 6 के बाद में 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15 और फिर डॉट डॉट, ऐसा आ गया। ये है अपना आंसर। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, अपना क्वेश्चन कैसा गिवन था, क्वेश्चन अपना सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे ये आंसर ठीक है, लेकिन अपनी कोशिश ये रहेगी कि अगर क्वेश्चन जिसका जैसा रहता है उसका आंसर भी वैसा ही होना चाहिए। तो अब देखो, एक्स सच दैट एक्स, ये रहता है सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। अब क्या होना चाहिए एक्स, एक्स क्या दिख रहा है आपको, ये देखना है उसको जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, क्या है ये सब। x इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो अपन लिखते हैं 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा लिख लो, ये एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3। a यूनियन b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, 1, 2, 4, 5, देखो 1, 2, 4, 5 और बाकी के सब जो है वो मल्टीपल ऑफ 3, और करके इसलिए लिख दिए क्योंकि यूनियन का साइन लगा था। तो ऐसा करो, a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6, b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, ये ओपन इंटरवल, और ये वाला कौन सा इंटरवल है, ये सेमी ओपन इंटरवल है। पहले a और b को उसमें लिख लेता हूं मैं, नेचुरल नंबर लिखना है आपको, और कैसा, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 2, फिर 3, 4, 5 और 6 ले सकते हैं अपन, 6 के इक्वल या उससे लेस बोला था, देख लो 1 से बड़ा मतलब 2, 3, 4, 5 और ये 6 से छोटा और उसके इक्वल, ये सब 6 से छोटे भी और 6 के इक्वल, 2, 3, 4, 5, 6। B वाला सेट देखो, B में क्या बोल रहे हैं, B इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, 6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 7, फिर 8, फिर 9, बस 10 से छोटा बोला तो 9 तक ही रहेगा। अब इसका आप यूनियन लिख लो, ए यूनियन, चलो लिखो ए यूनियन भी डायरेक्ट लिख देते हैं, तो 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, ए के पूरे आ गए, 7, 8, 9, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और दोनों सेट के एलिमेंट लिख दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या है। अब इसका अपना क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं मैं, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, देखो भाई एक्स क्या दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर है, इज अ नेचुरल नंबर और एक्स इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10, ऐसा लिख देते हैं उसको, यस इज अ नेचुरल नंबर एंड x is greater than 1 और less than 10, देखो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, और 10 से छोटा है, तो ये प्रॉपर्टी लिख दी है अपने, x is a natural number and x is greater than 1 and less than 10। नेक्स्ट वन देखिए, फिफ्थ वाला, चलिए a साइड और b साइड दिया, तो देखो b वाले को तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, और 5 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, अब दोनों का यूनियन, ए के सारे एलिमेंट ले लो, ए के सारे एलिमेंट 1, 2 और 3, और बी के अंदर तो कोई एलिमेंट है नहीं 5, बस इतना ही आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो गया, ये आपका ए के इक्वल हो गया, इसको ए भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप इसका आंसर ए लिख सकते हैं, और नहीं तो 1, 2, 3, ये इसका यूनियन हो गया। चलिए अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, लेट ए दिया हुआ है आपको, ए कॉमा बी,
बी है आपके पास में ए कॉमा बी कॉमा सी, इज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। अपने को ये बताना है कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है, और सेकंड पार्ट इसका व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है। तो देखो ए के अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी, और बी के अंदर एलिमेंट है, मैं लिख ले रहा हूं यहां पर ए बी सी, है ना। तो अब देखो ए इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के लिए क्या था कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो देखो ए के अंदर एक एलिमेंट ए है वो बी के अंदर भी है, ए के अंदर एक एलिमेंट बी है वो बी के अंदर भी, और ए वाला जो सेट है वो बी से छोटा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर हो और ए इज नॉट इक्वल टू बी हो तो उसका प्रॉपर सबसेट होता है। तो यस, इसको बोल देंगे अपन यस, यस ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एज क्यों है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका रीजन लिख रहा हूं मैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो कंटेंट कंटेंट इन बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो कंटेंट इन बी। ए का हर एक एलिमेंट बी में भी कंटेंट है और ए जो है वो बी से छोटा है या बी के इक्वल नहीं है, दैट दीज आर द कंडीशन फॉर प्रॉपर सबसेट। तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, ऐसी डेफिनेशन पढ़े थे अपन, हो गया। और ए यूनियन बी पूछ रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए के और बी दोनों के एलिमेंट ले लो, ए का एलिमेंट ए और बी, और बी में ए भी है बी भी है तो ए भी लिखा गया, और सी और ले लो, ठीक है, ऐसा हो गया, ए बी सी हो गया। तो इस ए बी सी को आप चाहे तो बी लिख सकते हैं, इसका आंसर बी सेट लिख सकते हैं आप, या आप ए बी सी लिख सकते हैं, हो गए। देखिए इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन वॉट इज ए यूनियन, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, अब ए और बी दो सेट ऐसे सच दैट आपको लेना है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और फिर देन वॉट इज ए यूनियन बी, उसके बाद ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है, ए और बी दो सेट्स आपको इस टाइप से लेना है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये कंडीशन आपको पहले दी हुई है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन आप दो सेट सपोज कर लो, देन लेट। अब बेटा आपको ऐसे सपोज करना है दो सेट कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट हो, जैसा अभी का इसके पहले वाला क्वेश्चन था। तो मैं इसके अंदर वन और टू एलिमेंट लेता हूँ, एंड बी सेट ले लेता हूँ मैं, कुछ भी ले सकते हैं अपन, वन टू थ्री। देखो मैंने ऐसा सोच के ले लिया है कि ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, वन इसमें है इसमें भी है, टू इसमें है इसमें भी है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है और ए इज नॉट इक्वल टू बी, हो गया ना। तो अब देखेंगे आप, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसके पहले वाले में ए बी सी लिखा था उसने, वही था ए बी लिया और ए बी, ऐसा भी ले सकते हैं एग्जाम्पल है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट। अब बोल रहा हूँ वट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के और बी के वन टू ले लिए, ए के और बी के वन टू तो है ही, और थ्री और ले लो, ये किसके इक्वल होगा, ये बी के इक्वल ही है, तो ए यूनियन बी आपका बी के इक्वल आ जाएगा। इफ ए वन टू थ्री फोर, बी थ्री फोर फाइव सिक्स, सी फाइव सिक्स सेवन एट, और डी है सेवन एट नाइन टेन, फाइंड। तो आपको ये चीजें फाइंड आउट करना जो नीचे लिखी हुई है, फर्स्ट ए यूनियन बी, तो ए सेट आपके पास है, मैं यहाँ दोनों लिख लेता हूँ, वो पहले ए को लिख लेता हूँ फिर वो अपन देख लेंगे, वहाँ कौन देखते रहेगा। अच्छा ये ए, और यहाँ भी आप यूनियन का साइन लगा सकते हैं, फिर अपन अगले स्टेप में लिखते हैं बी क्या है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स, अब मैंने यहाँ लिख लिया है, अब दोनों का यूनियन लेना है, तो इसके भी एलिमेंट ले लो उसके भी ले लो, जो कॉमन है उसको एक बार, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे ए यूनियन बी, तो ये वन टू थ्री फोर इसके पूरे ले लिया, अब इधर थ्री अपन ले चुके, फोर भी ले चुके, फाइव और सिक्स और ले लो, ये यूनियन हो गए, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। देखिए मैंने क्या किया, ए सेट लिखा, यूनियन बी सेट लिखा, और फिर उसका यूनियन बना दिया। आप चाहे तो आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते, सेकंड देखिए इसका, सेकंड है ए यूनियन, पहले ए सेट लिखता हूं मैं, वन टू जैसा अभी लिखे थे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, यूनियन थ्री फोर,
यूनियन बी, यूनियन सी, सी वाला सेट ये रहा फाइव, देख के लिखना राउंड सिक्स सेवन और ये एट। अब अपने को इसका यूनियन बनाना है तो इसके पूरे एलिमेंट लिख लो वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स सेवन और ये एट, बस हो गया। तो ऐसा कर सकते बेटा आप, तो देखिए बी वाला हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा क्या आपसे, आप बताओ, बी यूनियन सी, फोर्थ वाला बी यूनियन डी, ये भी हो जाएगा। मैं फिफ्थ वाला बताता हूँ आप करना, ये थर्ड फोर्थ में फिफ्थ वाला, ये बिल्कुल एकदम कमजोर क्वेश्चन है। ए यूनियन बी यूनियन इक्वल, अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन बार तीन सेट है और दो यूनियन लगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते ए यूनियन बी, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो आप, पहले वाले दो ऐसा ले सकते हैं अपन, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। फिर वो यूनियन का साइन है ये वाला यूनियन का साइन लगा दो और सी को ले लो, ये यूनियन लगाया मैंने और ये सी, ऐसा कर लिया हमने, क्या किया स्टार्टिंग के दो में हमने एक ब्रैकेट लगा। अब हम ए यूनियन बी रखते हैं, ए यूनियन बी अपने पास में निकला हुआ होगा तो ठीक है, निकला हुआ है पहले से निकला हुआ है तो उसी को लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, और नहीं निकला हुआ रहे तो लिख लेंगे अपन वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स और यूनियन सी, सी वाला सेट लिख दो, सी वाला सेट क्या है भाई, ये फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ से भी देख के लिख सकते हो फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव सिक्स सेवन और ये एट। अब दोनों का यूनियन लेना है तो इसके पूरे एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव सिक्स लिख लिया अपन ने सेवन और ये एट, ऐसा हो गया। चल इसके बाद का क्या है, सिक्स्थ वाला है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो इसको भी वैसे ही लिखो ए यूनियन बी में एक ब्रैकेट लगा दो और यूनियन डी है ना, ये देखो इन दोनों में एक ब्रैकेट लगा दो और फिर यूनियन डी, तो ए यूनियन बी अपने पास में निकला हुआ है ऑलरेडी, ए यूनियन बी है जो निकला हुआ था अपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यूनियन डी, डी वाला सेट देख के लिखना आपको सेवन एट नाइन टेन, सेवन एट नाइन टेन। अभी दोनों का यूनियन पूरे एलिमेंट लिख दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन, कोई चीज छोड़ना नहीं गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सिक्स के बाद में सेवन भी ऐसे ही है, एक और ले बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, देखना सही लिखे कि बी यूनियन सी यूनियन डी, तो पहले दो में ब्रैकेट लगा दो बी यूनियन सी और फिर यूनियन डी, अपने पास बी यूनियन सी निकला हुआ है कि नहीं है, नहीं निकला है तो निकाल लो, पहले बी यूनियन सी लिख लो, बी यूनियन सी यहाँ से देख के लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, बी में और सी में देखो ये दोनों है तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यूनियन डी वाला लिख देते हैं यहाँ पर, सही लिखे ना, बी यूनियन सी को देख लो थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव सिक्स लिखे सेवन एट और ये डी है सेवन एट नाइन टेन, इसको देख लो पहले सेवन एट नाइन टेन, सेवन एट नाइन और ये टेन। अब पहले वाले के पूरे लिख दो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और इसमें सेवन एट आ गया नाइन और टेन, तो समझ में आया आपको ये यूनियन।